वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम गेमर्स के लिए कुछ चीज नया लेके आए हैं। क्या नया लेके आएंगे हमारे भाई बताएंगे। हाय गाइस, आप सभी जानते हो मैं प्रकाश आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ इसमें। आज कुछ हम नया करेंगे, एक नई क्या बोलेंगे उसको, गेमर्स के लिए बहुत कुछ नया। आप ये सब देख रहे हैं हमारे सामने, ये हमारे कूलिंग फैंस हैं जिसको हम थोड़ा सा कस्टम करेंगे इस तरीके के कुछ। ये क्या बोलेंगे इसको दीपक भाई? इसको बोलते हैं 120 mm फैन ग्रिल्स। आपके जितने भी कैबिनेट में RGB फैंस लगते हैं वो सब रहते हैं 120 mm। वो फैंस नॉर्मल में उतने खास नहीं दिखते, लेकिन जब आप ये ग्रिल्स लगाएंगे, इसमें हमारे पास बहुत सारे डिजाइन है, जब आप ये ग्रिल्स लगाएंगे तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आपके गेमिंग कैबिनेट में 4 चांद लग जाएंगे। और हम सब ग्रिल्स के आप डिजाइन दिखाएंगे और चला के भी दिखाएंगे फैंस के साथ कैसे दिखते हैं। मतलब आज पूरे तैयारी में आए हो आप? पूरी तैयारी में। मतलब इसको खोलेंगे, हम खोलेंगे, बॉक्स करेंगे, फिट करके आपको दिखाएंगे, सबको दिखाया जाएगा। अरे आज तो फिर गाइस बहुत मजा आने वाला है। आज हम सब चीज को ट्राई करके एक एक करके आपको दिखाते हैं इस कस्टम ग्रिल्स के साथ में इसका लुक्स कैसे आता है। थैंक यू गाइस, वेट एंड वॉच। RGB ये पेन। तो ये है RGB फैन। चलो हम इसे चालू करते हैं, पहले देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो गाइस ये है एएनटी ईस्पोर्ट्स का फैन, जो लाइटिंग तो बहुत ही अच्छी दिखा रही है, बहुत ही अच्छा ग्लो है। तो इसके साथ हम वो हमारा कस्टम्स का गेम का, तो ये दीपक एएनटी का, ये एंड ईस्पोर्ट्स का RGB फैन है। ऑटो RGB, जो ऑटो RGB चेंज होता है, अभी आपने देखा होगा। देखिए फैन कैसा दिख रहा है, और हम इसके ऊपर आपको हमारा जो RGB ग्रिल है, फैन ग्रिल जो है, वो लगा के दिखाते हैं कैसा दिखेगा लुक्स। दिख तो अच्छा, ग्लेजिंग अच्छा रहा है, लेकिन एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अब इसके ऊपर हमारा ये फैन ग्रिल, ये है आसुस रोग स्ट्रिक का लोगो का सिंबल भी है गाइस। अब इसको हम लगा के देखते हैं, ये है नॉर्मल फैन, अब इस पे हमारा लगे ग्रिल, देखिए लुक्स कैसा आता है। भाई ये है एंटी स्पोर्ट्स का CPU फैन मॉडल C612। 1500 रुपए का CPU फैन है, और इसका फैन देखिए ऑटो RGB भी नहीं है, सिंपल है। मतलब आदमी 1500 रुपए खर्च किया, लेकिन उसको ऑटो RGB नहीं मिला फैन इसमें। इसको देखिए, उसका लुक्स उतना खास नहीं है, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं। ये एक डेड मदरबोर्ड, इसमें हमें टेस्ट कर रहे हैं, इसमें आपको दिखाते हैं ग्रिल लगाने वाला लुक्स और नॉर्मल लुक्स। देखिए CPU फैन के ऊपर हम हमारा गेम ग्रिल लग रहा है, और हमारा लग रहा है कि इसमें कैबिनेट फैन के ऊपर लग जाएगा, और कहां लगा सकते हैं जिसमें लुक्स और भी ज्यादा अच्छा है। तो क्या है, जैसे कि कंपनी मेड कैबिनेट आता है पहले से, जिसमें सामने में 3 फैंस रहते हैं, फैन को भी फैन के ऊपर पहले से जो कैबिनेट फैन आता है उसके ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, जो RGB फैंस का पूरा सेट रहता है, उसके ऊपर लगा सकते हैं। और एक चीज है, इसको हम लगा सकते हैं रेडिएटर्स के ऊपर। अच्छा, लिक्विड कूलिंग का रेडिएटर, कूलिंग के रेडिएटर के ऊपर फैन रहता है, उसमें भी लगा सकते हैं। हाँ, हम आपको दिखाते हैं लिक्विड कूलिंग के रेडिएटर्स के ऊपर फैन रहते हैं, उसके ऊपर कैसे दिखता है। और इसके ऊपर हम उसका ग्रिल को इंस्टॉल करेंगे, तो कैसा लगेगा देखते हैं गाइस। ये तो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रिल्स के बाद तो और भी रौनक बढ़ जाएगी शायद।
अजीब फैन दिखाया, लिक्विड कूलिंग दिखाया और लगे हाथ तो रेडिएटर का भी लुक्स दिखा दिया विथ दिस ग्रिल्स। लेकिन ये कुछ आइटम तो प्लास्टिक का ही लग रहा है, लेकिन कुछ एक नया तरीके से बनाया गया है। हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, कहीं चाइना वाइना का तो नहीं है, मतलब वही जज चाइना का हम लोग इधर अपना रेवेन्यू उनको दे रहे हैं। तो मैं कस्टमर बताना चाहता हूँ, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये इम्पोर्टेड मटेरियल नहीं है या चाइनीज मटेरियल नहीं है, ये हमने खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 3D प्रिंटर है। जितने भी आइटम है इसे हमें खुद डिजाइन किया है और खुद 3D प्रिंट किया हुआ है। वाओ, मतलब ये खुद से अपने हाथों से बनाया? हाँ, खुद हमारे डिजाइन किया हुआ है और खुद 3D प्रिंट किया हुआ है और ये 100% मेड इन इंडिया है। जिसे प्रिंट किया है PLA भी इंडिया का है और ये मटेरियल भी पूरा इंडिया का ही है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है पूरा। ये कुछ गामा 3 का लुक से कह सकते क्या? ये है हाफ लाइफ 3, जो गेमर सॉन्ग में जानेंगे, ये हाफ लाइफ 3 का लोगो है। हाफ लाइफ 3, हमारे एक दोस्त ने इसका डिजाइन का डिमांड किया था, वो हाफ लाइफ का फैन है, उसे हाफ लाइफ के लिए अपने CPU के लिए उसने मंगाया था, उसके लिए हमने ये हाफ लाइफ 3 का लोगो उनके लिए प्रिंट कर दिया था। और दीपक भाई सब कुछ तो बता दिया, पता चला इंडिया का ही है और प्लास्टिक मटेरियल मतलब रीयूज हो रहा है। और प्राइसिंग के बारे में आप कुछ नहीं बताए? सब इसका प्राइसिंग डिफरेंट आता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये नॉर्मल PLA में हुआ है तो इसका रेट हमको पड़ जाता है 599 से 699, नॉर्मल PLA का है। और ये जो है PLA प्रीमियम का है तो ये हमको पड़ता है 800 रूपए के आसपास। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा शाइनिंग अच्छा शाइनिंग अलग आता है, ये नॉर्मल PLA ज्यादा है। अच्छा। उसी तरह से सिल्क PLA आता है जो कि और हाई क्वालिटी में आता है। उस हिसाब से हमारे पास ये करीबन 699 700 रूपए से स्टार्ट करके 1500 रूपए तक के अलग अलग ग्रिल है। और अगर हमारे सब्सक्राइबर चाहे तो उनके हिसाब से हम डिजाइन करके उनके नाम के हिसाब से डिजाइन, मतलब आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम डिजाइन, जैसे मैं अपना नाम प्रकाश लिखवा लूं वो भी हो सकता है? वो भी हो सकता है, इसमें पर्सनल आपके नाम के हिसाब से आपको जिसका रिक्वायरमेंट है जिस तरह का, हम उसको डिजाइन करके प्रिंट करके बना सकते हैं। तो गाइस जल्दी कीजिए, बहुत ही खूबसूरत चीज है, कूल दिखने वाली है, कूल दिख रही है, ऐसे लाइटिंग के बैकग्राउंड इफेक्ट्स भी बहुत ही अच्छी लग रही है। बहुत ही जल्दी कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज आई है अभी मार्केट में और हम खुद से डिजाइन भी कर रहे हैं, कस्टम भी हो रहा है, कुछ भी लिखवा सकते हो। 699 से स्टार्ट है, लगभग जितने हमने दिखाए सब 699 के ही मॉडल है। प्राइसिंग भी बहुत वाजिब है दोस्तों, 699। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और एक बात कहना था मुझे, हमारे पिछले वीडियो पे व्यूज तो 1500 चले गए हैं जी, लेकिन सब्सक्राइबर ओनली 20% लोग सब्सक्राइब किए हैं, 80% लोग सिर्फ वीडियो देख के चले गए। जो लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जा रहे हैं सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये जो नए चीज है लाए दिखाएं और गेमिंग और गेमर्स के लिए कुछ नया नया चीज लाते रहें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, संपर्क करें और हमें टच में रखिए। कुछ भी वीडियो के ऊपर में इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्ड पीसी के लिए चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें हमें। और हम जल्दी ही अमेजन प्लेटफॉर्म में उतरने वाले हैं, अमेजन प्लेटफॉर्म में। हाँ दोस्तों, हम बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट है अमेजन पे आ जाएंगे कुछ ही दिनों में। अभी कुछ पेपर वर्क बचे हैं, कुछ दिनों बाद GST के पेपर वर्क बचे हुए हैं, उसके बाद सब मटेरियल हमारे अमेजन पे मिलेंगे। हमारे वेबसाइट में अभी भी अवेलेबल है लेकिन अमेजन पे नहीं है, जो कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी और टेक्नोलॉजी के साथ, कुछ ही और नया बात के साथ।